हे गाइस, इट्स क्रिसलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मौलाना तारिक जमील साहब के कुछ इमोशनल बयान हैं, कुछ वीडियोस हैं। सो डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक। ये तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, डू फॉलो अस। लेट्स गो। साहबी आते हैं, या रसूलल्लाह जिना हो गया है, मुझे संगसार करें, यानी पत्थर मार मार के मुझे कत्ल किया जाए। है वो मुंह से फरमा रहे हैं और आप यूं मुंह फेर रहे हैं, जाओ जाओ कोई नहीं किया। वो आ गया, मैंने किया है, जाओ जाओ कोई नहीं किया। वो फिर इधर आया, जी मैंने किया है। अब जाओ जाओ कोई नहीं किया। वो फिर इधर आया, मैंने किया है। चार दफा हो गया, या चार गवाह हो या चार दफा शहादत हो, चार दफा इकरार हो, तो फिर आपने उसकी जान बचाना चाहिए। ओ भाई ये नशे में तो नहीं, कोई एक आदमी कहता नशे में तो आप उठा देते। कहा जी नहीं नहीं नशे में नहीं। उफ, ये भी ना मसला हल हुआ, तो आपने एक और रास्ता इख्तियार फरमाया। ओ भाई ये पागल तो नहीं, कोई एक आदमी कहता पागल है तो आप उठा देते। कहा जी नहीं पागल नहीं है, चलो अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। उन्होंने अबू बकर से कहा मुझसे गुनाह हुआ है, कर तौबा कर चुप कर। फिर करार नहीं आया, उमर से कहा मुझसे गुनाह हुआ है, उनका तौबा कर चुप कर। फिर नहीं अंदर में इत्मीनान, साबित बिन हज्जाल के पास गए, ये हो गया। कह जाओ अल्लाह के नबी को बताओ, बताया तो ये हो गया, हद लगी। तो आपने साबित को गिला दिया, ना भेजता मेरे पास। चोर का हाथ कटा, आप रोने लगे। अरे ओ कोई ऐसा मेहरबान पहले मुझे दिखा दो, किसकी साथ बगावत की हुई है, किससे टक्कर ली हुई है। मैं तो दीन सीखना चाहता था, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कोई चोर डाकू बनने नहीं जा रहा था, लेकिन माँ बाप से भी ख्वाहिशात टकराएं तो वो निकाल देते हैं। 23 नवंबर बरोज हफ्ता 1972 सुबह के 9 बजे मेरे दिल पर नक्श है, 18 साल की उम्र में बाप घर से निकाल दे। निकल जाओ, तुम मौलवी बनना है तो मेरे घर ही जो निकल जाओ। मेरा नबी भी क़यामत के दिन कह दे निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जिना के अड्डे चला के आए हो, सूद के अड्डे चला के आए हो, शराबों की दुकानें चला के आए हो, झूठ फ्रॉड के कारोबार करके आए हो, निकल जाओ। नहीं 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 नहीं, सॉरी इंसानियत, आदम से लेकर ईसा अलैह सलाम नबी कहेंगे या रब नफ्सी नफ्सी, या रब नफ्सी नफ्सी, या रब नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह हमारी जान बचा। इब्राहिम अलैह सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं नहीं किसी का सवाल करता, मेरी जान बचा। ईसा अलैह सलाम फरमाएंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। तो आम इंसानों का क्या हाल होगा, नफ्सी नफ्सी नफ्सी। एक आवाज है या रब उम्मती उम्मती, एक आवाज आई या रब उम्मती उम्मती। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन उम्मत कह रहा है? और तो मां नहीं पूछती, नबी नहीं पूछ रहे, ये कौन है? क्या देखेंगे कि मेरे तेरे नबी, कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठे हुए, झोली फैली हुई, आंसू बह रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी कौन सी उम्र, जुनैद बगदादी जैसे? नहीं नहीं, मेरे तेरे जैसे काले मुंह वाले, जिन्होंने सारी जिंदगी फुल बगावत की अल्लाह के नबी से, उनके लिए आंसू बह रहा है, मेरी उम्र। ओ मेरे भाइयों, कुत्ते जितने वफादार तो बन जाए, जो मालिक की रोटी खाता है दर नहीं छोड़ता है। फिर क्या बात है, पर ये बहुत इमोशनल था। अच्छा तो मुझे सुन के बहुत लगा, बट मुझे लगा ये काफ़ी छोटा वर्जन है और इसका बड़ा वर्जन भी होगा। देयर इज मोर टू दिस इमोशनल स्टोरी एंड अभी सिर्फ मतलब आई एम मूव्ड, आई एम शॉक्ड एंड
कैसे उन्होंने अपना अपनी हड्डबीती उन्होंने सुनाई है, व्हेन माय डैड किक्ड मी आउट, बहुत इमोशनल जिस हिसाब से वो बोल रहे थे, जो उनके वर्ड्स थे, यूजुअली उनमें ना एक फन एलिमेंट होता है, पर इसमें वो इमोशंस बाहर आ रहे थे. तो थोड़ी इमोशनल वीडियो थी, बट वेरी टचिंग वीडियो, एंड बहुत लोगों को टच किया हुआ इस वीडियो ने, बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो थी. सो गाइस, दिस इज माय रिएक्शन, आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट. दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ. आई लव यू गाइस.